आप सभी का स्वागत है एक और न्यू वीडियो में। और आज की इस वीडियो में गाइज मैं बताऊंगा MPL ऐप में आप अपना टीम कैसे बनाएंगे और 2030 में गाइज आप एक बेहतरीन टीम, एक आप लोग अच्छा टीम, बेस्ट टीम किस प्रकार बनाएंगे। सब में बहुत सारे दोस्तों को कैप्टन वाइस कैप्टन चूज करते समय गाइज आपको बहुत सारे टाइम मिलता है, यहाँ पे आपको डाउट होता है और डाउट होने के साथ ही गाइज इस वीडियो में बताऊंगा कि MPL ऐप में गाइज आप टीम कैसे बनाएंगे। और मैं यहाँ पे आपको MPL ऐप में टीम बनाने का बेहतरीन प्रोसेस बताऊंगा, एक अच्छा मैं तरीका बताऊंगा जिससे कि गाइज आप एक यहाँ पे 2023 में एक अच्छा टीम बना पाएंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि आप लोग सीख पाएंगे कि आपको टीम कैसे बनाना है। तो चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले गाइज MPL ऐप ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा, इस वाले ऑप्शन पे आएंगे तो आपके सामने सबसे पहले गाइज यहाँ पे कुछ इस प्रकार से इंटरफेस दिखेगा। तो मैं गाइज आपको बता दूं कि सबसे पहले आज वाला जो गाइज मैच है राजस्थान रॉयल्स और यहाँ पे चेन्नई सुपर किंग्स के बीच में, सिंपली गाइज मैं यहाँ पे इस मैच में जाता हूँ और इस मैच में जाने के बाद गाइज यहाँ पे आपको टीम बनाना है। लेकिन टीम बनाने से पहले गाइज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा ऐड टीम वाला एक ऑप्शन, तो सिंपली गाइज आप लोगों को टीम बनाने के लिए यहाँ पे ऐड टीम वाले ऑप्शन पे जाना है। और ऐड टीम वाले ऑप्शन पे आएंगे तो यहाँ पे दिखेगा विकेट कीपर, बैट्समैन, ऑलराउंडर, यहाँ पे गाइज दिखेगा बॉलर। तो सबसे पहले गाइज मैं यहाँ पे विकेट कीपर में लेता हूँ जेस बटलर को, क्वेंटन डिकॉक को, संजू सैमसन को। फिर आते गाइज यहाँ पे बैट्समैन में गाइज मैं यहाँ पे लेता हूँ ऋतुराज गायकवाड़ को, मैं यहाँ पे जयसवाल को, फिर मैं यहाँ पे रहाणे को। फिर गाइज यहाँ पे मैं आता हूँ ऑलराउंडर में, यहाँ पे गाइज लेता हूँ मैं यहाँ पे लेता हूँ रविंद्र जडेजा को, मोइन अली को। फिर गाइज यहाँ पे बॉलर में आने के बाद गाइज मैं यहाँ पे लेता हूँ युजवेंद्र चहल को, टी बोल्ट को। फिर गाइज मैं यहाँ पे इसे लेता हूँ। टीम प्रीव्यू पे जाएंगे तो गाइज यहाँ पे देखेंगे कि आपका जो गाइज टीम है कुछ इस प्रकार से रेडी हो चुका है। और इस प्रकार से टीम रेडी होने के बाद गाइज सिंपली आपको बैक वाले ऑप्शन पे टैप करना है। नीचे में गाइज आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा टीम यहाँ पे नेक्स्ट वाला, सिंपल गाइज यहाँ पे आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पे आना है। अब आपको कैप्टन वाइस कैप्टन चूज करना है, सिंपली गाइज यहाँ पे सी मतलब कैप्टन, बी सी मतलब वाइस कैप्टन है। सिंपली गाइज यहाँ पे आप कैप्टन वाइस कैप्टन पे टैप करके सिंपली गाइज यहाँ पे आप सेव टीम वाले ऑप्शन पे टैप करेंगे तो इस प्रकार से गाइज देखेंगे कि आपका जो कि टीम है MPL ऐप में आपका टीम रेडी हो चुका है। अब इस वीडियो में गाइज मैं बात करता हूँ कि गाइज आप यहाँ पे किस प्रकार से यहाँ पे कॉन्टेस्ट लगाएंगे, यानी आप लोग गाइज यहाँ पे पैसे कैसे लगाएंगे। तो उसके लिए गाइज यहाँ पे सिंपली आप लोगों को देखने को मिलेगा गाइज एक यहाँ पे 29 रुपये वाला कॉन्टेस्ट जिसमें कि गाइज यहाँ पे 10 लाख रुपये तक जीत सकते हैं, 9 रुपये वाला कॉन्टेस्ट जिसमें कि आप लोग 1 लाख तक जीत पाएंगे, और यहाँ पे गाइज आपको देखने को मिलेगा 1 रुपये वाला कॉन्टेस्ट जिसमें कि गाइज आप यहाँ पे टोटल 1 लाख रुपये तक विन कर पाएंगे। तो मैं यहाँ पे गाइज करने क्या वाला हूँ कि गाइज यहाँ पे आपको करना क्या है कि सिंपली गाइज मैं यहाँ पे 29 रुपये वाले कॉन्टेस्ट में जाता हूँ और गाइज मैं यहाँ पे सेकेंड वाले टीम में मैं यहाँ पे लगाऊंगा। मैं यहाँ पे गाइज यहाँ पे मैं सेकेंड वाले टीम को मैं यहाँ पे चूज करके सिंपली गाइज मैं यहाँ पे ज्वाइन दिस कॉन्टेस्ट पे टैप करता हूँ। तो गाइज इस प्रकार से देखेंगे कि मेरा गाइज यहाँ पे MPL एप्लीकेशन में एक मेरा गाइज यहाँ पे टीम रेडी हो चुका है। ज्वाइन के ऑप्शन पे जाएंगे तो मैंने गाइज एक यहाँ पे 29 रुपये वाले कॉन्टेस्ट को ज्वाइन कर लिया। तो कुछ इस प्रकार से गाइज देख सकते हैं कि आप MPL एप्लीकेशन में टीम क्रिएट कर पाएंगे। वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।